आजिर भिडियो रे आमे इच आर्म आर विषय जानिबा। इच आर्म आर आमे जानिछे गोटे गोटे हेल्पिंग वर्ब, ताले एहाको आमे सेंटेंस रे केमिति यूज करथौ। आमे एहरो गोटे यूज जानि थाउ कि इच आर्म आर को आमे प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म रे यूज करे थाउ। बट ई प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म छाड़ी कि भी इच आर्म आर को आउरी आमे डिफरेंट वे रे यूज करे थाउ। इच आर्म आर सहित जदि आमे वर्ब रो थर्ड फॉर्म यूज करबा तार मीनिंग कोन रहबो, इच आर्म आर सहित जदि आमे वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म यूज करबा तार मीनिंग कोन रहबो, एंड जदि आमे टू बी प्लस भी थ्री यूज करबा कि इच आर्म आर सहित आमे जदि टू प्लस भी वन यूज करबा तार मीनिंग कोन रहबो, एंड जदि आमे बीइंग प्लस भी थ्री यूज करबा तार मीनिंग कोन रहबो। ये सबू यूज जानिबा पाई ए वीडियो को लास्ट पर्यंत निश्चय देखंतु। ए वीडियो आपण मानक पाई बहुत इंटरेस्टिंग रहइबो एंड बहुत यूजफुल भी रहइबो। आपण मानक एथरु निश्चय किछि न्यू इन्फॉर्मेशन बा टिप्स आपण जानिबा को पाइबे। तो सेति पाई वीडियो को लास्ट पर्यंत निश्चय देखंतु। तो चलंतु आज रो क्लास स्टार्ट करबा। सो आमे जानले कि एच आम आर होछि हमर गोटे गोटे हेल्पिंग वर्ब आ एरो सबू यही सातटा तार हूँ यूसेज बा सातटा स्ट्रक्चर को लेकिन आम देखा कि आम यह माध्यम आम इच आम आर को सेंटेंस रे केमिति यूज करिपारिबा। ए सातटा स्ट्रक्चर को आम सेंटेंस रे एही वीडियो रे ए सातटा स्ट्रक्चर को आम स्टेप बाय स्टेप भलसे आम बुझा एंड जाना तार सबू यूसेज विषय जाना। इच आम आर को आम जब ऑब्जेक्ट सहित यूज करवा ताले सेठी तार मीनिंग कौन रहिबो से सब विषय जाना। तो चलते आज क्लास स्टार्ट करवा। सो फर्स्ट आम पढ़ा कि आम फर्स्ट स्ट्रक्चर रहिबो कि इच आम आर प्लस ऑब्जेक्ट। इच आम आर सहित आम जब ऑब्जेक्ट यूज करवा ताले तार मीनिंग कौन हम कहीं इच आम आर हूँ आमर कौन हेल्पिंग वर्ब एंड जदि आम ता सहित ऑब्जेक्ट यूज करवा आमर मेन वर्ब ही रहिबोनी ताले सेठी आमर सेंटेंसटा कौन इंडेफिनेट हो सॉरी सेठी सेंटेंसटा आमर नॉर्मली ही रहबो जोटी कि इंडेफिनेट कहले आमर सेठी हेल्पिंग वर्ब यूज ही हे न थाए। इंडेफिनेट सेंटेंसटा आमर हेल्पिंग वर्ब ही न थाए। बट एठी आमर कोन रहछ ना सब्जेक्ट रहबो एंड इच आम आर रहबो हेल्पिंग वर्ब रहबो देन आमर ऑब्जेक्ट रहबो। एठी कोनोस आमर मेन वर्ब रहबोनी। जेमति कि आमर एग्जांपल अछि कि ही इज देयर। ही इज देयर से सेठरे अछि ही इज देयर। तो एठी ही आउछ हमर सब्जेक्ट देन इच आमे ही पई इच यूज करले जोटा कि हमर हेल्पिंग वर्ब यूज करले देन आमे यूज करले देयर जोटा कि हमर ऑब्जेक्ट। सेम टाइम कहबे देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। टेबल ऊपर गोटे बही अछि तो एठी भी हमर से सेम वे रे आमे यूज करले। देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। मो परिवार रे 5 जण सदस्य अछंती तो एठी आमे भी सही आर यूज करले। समवन इज देयर सेठरे केही अछंती। समवन इज देयर सेठरे केही अछंती एठी भी आमे इज पर ऑब्जेक्ट ही यूज करले। सो बे अपन जानिले इच आम आर रो सहित ऑब्जेक्ट यूज करले तार सेंटेंस कोन रहूची। जदि आमे इच आम आर को जदि ता सहित जदि आमे आईएनजी यूज करबा बा वर्ब रो फोर्थ फॉर्म यूज करबा ताले तार मीनिंग कोन हेबो। आमे जानिचे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रे आमे इच आम आर सहित वर्ब रो फोर्थ फॉर्म बा आईएनजी फॉर्म यूज करिथाओ। तो एठी आमे सही सेंस रे यूज करजे कि इच आम आर सहित आमे आईएनजी यूज करजे एठी हमरो प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म रे। जेमते आमे एग्जांपल ले कहबा कि दे आर कमिंग हियर से माने एठाको आसुछंती। आसुछंती दे आर कमिंग हियर से माने एठाको आसुछंती। ही इज गॉसिपिंग से गपुची बा से गपसप करूची। करूची सोईची खाऊची ए सेंस रे आमे तो यूज करथौ कंटीन्यूअस। आई एम टीचिंग मु पढौची ए सेंस रे यूज करछे कि पढ़ौची गपुची खाऊची सोऊची मीनिंग एटा ही आसी थाए कंटीन्यूअस रे इच आम आर प्लस वर्ब रो आईएनजी फॉर्म। सो एबे हमें देखिबा कि इच आम आर प्लस भी थ्री। इच आम आर सहित जदि आम भी थ्री यूज करवा ताले तार मीनिंग कोन हबो। आम जानले कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म रे आम इच आम आर सहित वर्ब रो आईएनजी फॉर्म यूज करथौ। बट जोटी हमर इच आम आर सहित वर्ब रो थर्ड फॉर्म यूज हेतबो सेठी आपण धरि नेबे कि भाबी नेबे कि सेठी हमर पैसिव अछि हमर सेंटेंसटा पैसिव फॉर्म रे अछि। तो तार मीनिंग कोन हेजबो ना कोनोसी कार्य करा जाए सेन्स आसुथबो सेठी सब बेले सेंटेंस लास्ट रे एम्ति ही थिबो जाए वर्ड एम्ति ही थिबो सेटा हमरो धरनबा कि पैसिव अंता सहित इज आम सहित हमर वर्ब रो थर्ड फॉर्म ही यूज होतबो। जेमते हम एठी कहबा कि इंग्लिश इज स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन एठी हमर इंग्लिश पर इज लागी छि इज सहित स्पोकन वर्ड यूज हे छि जोटा कि भी थ्री थर्ड फॉर्म ही यूज हे छि। तले आको हम कोन कहबा ना इंग्रजी कुहा जाए। इंग्लिश इज स्पोकन इंग्रजी कुहा जाए आसुची तो सेतपई एटा ही होछ हमरो पैसिव फॉर्म। जेमति कि आमे जानि छे कि हमरो इंडेफिनेट टेंस रे इंडेफिनेट रे प्रेजेंट इंडेफिनेट रे जेमती कि हमरो सब्जेक्ट थाए एंड हेल्पिंग वर्ब न थाए खाली वर्ब थाए तो सेई फॉर्म को जदि हमें पैसिव वॉइस रे कन्वर्ट करबा तले तार स्ट्रक्चर कोन हिजबो ना ईच आम आर लागबो देन हमरो वर्ब रो थर्ड फॉर्म लागबो तो एठी हमें सेई फॉर्म टा ही यूज करछे कि ईच आम आर प्लस v3 जोटा कि पैसिव रो इंडेफिनेट फॉर्म ओके एंड सेंटेंस टा एठी हमरो पैसिव अछि बोल केम जानबा कि इंग्रजी कुहा जाय तो ए सेंस रे तो हमें धरि नबा पैसिव ता सहित एठी हमरो सब्जेक्ट ही नाही जोटा कि जो सेंटेंस रे हमरो सब्जेक्ट नथिबो सेटा होछ हमरो पैसिव आ इठी हमें इंग्लिश होछ हमरो ऑब्जेक्ट आ सेही ऑब्जेक्ट को नै कि हमें माने सेंटेंस करछे पैसिव माने वॉइस करूछे कि सेही ऑब्जेक्ट को हमें आज ए सब्जेक्ट रूपरे हमें तको सेंटेंस रे यूज करूछे कि इंग्लिश इज स्पोकन इंग्रजी कुहा जाए तो ए सेंस रे हमें यूज करले एंड पैसिव वॉइस रे हमें कोन कहूछे ना जदि हमें एटा कहबा कि कुहे मु इंग्लिश कुहे कसी से इंग्लिश कुहे कुहे आसु बट इठी हमें कहू जे कुहा जाए जेहेतु आसुची तले एठी पैसिव रे अछि लेटर इज रिटन चिट्ठी लेखा जाए लेटर इज रिटन चिट्ठी लेखा जाए से लेखे कि मु चिट्ठी लेखे से चिट्ठी लेखे से माने लेखंदी एमते कुहा जाउनी एठी कुहा जाउची कि लेखा जाए कुहा जाउची कि किए लेखे एठी तो सेटा हमके एठी मेंशन नाही क्रिकेट इज प्लेड क्रिकेट खेला जाए जाए आसुची खेला जाए क्रिकेट इज प्लेड सो नेक्स्ट होची इच आम आर प्लस बीइंग प्लस v3 आमे भी पढ़िले कि इच आम आर सहित जदि वर्ब थर्ड फॉर्म आस्तबो सेटा हमर पैसिव रे जाउची जोटा कि पैसिव इंडेफिनेट को इंडिकेट करूची एंड आमे जदि कहबा कि इच आम आर सहित बीइंग आसीगला देन हमर v3 आसुची तले एटा भी हमर सही पैसिव फॉर्म ही जार मीनिंग होची के कौन सी कार्य करा जाउची ए सेंस रे हम यूज करबा कि कौन सी कार्य करा जाउची जेमिति कि हम जानि छे कि हमरो प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे जेमिति तारो स्ट्रक्चर कोन थाय ना इच आम आर प्लस वर्ब रो आईएनजी फॉर्म थाय बट ताकू जति हम पैसिव फॉर्म को कन्वर्ट करबा तले सेठी तारो कोन हिजबो स्ट्रक्चर हिजबो कि सेई इच आम आर रहिबो ता सहित बीइंग यूज होबो देन बीइंग सहित हमरो वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होबो तो एठी ए जो फॉर्म टा हमरो रहिची स्ट्रक्चर टा एटा होची सेई जोटा कि पैसिव रो कंटीन्यूअस फॉर्म रे अछि कि इज आम आर प्लस बीइंग प्लस v3 एंड आउट ए पॉइंट कि पैसिव रे हमरो सब बेले मेन वर्ब सब बेले हमरो थर्ड फॉर्म ही यूज हबो जो फॉर्म भी थाओ जो स्ट्रक्चर भी थाओ बट हमरो पैसिव रे तारो मेन वर्ब ता सब बेले हमरो वर्ब रो थर्ड फॉर्म ही यूज हबो तो तारो मीनिंग हि जोची करा जाउची इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन इंग्रजी कुहा जाउची कौन सी कार्य करा जाउची ना सेही सेंस रे हम कहू जे कि कुहा जाउची इंग्रजी कुहा जाउची इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन जदि हम एम्ति कहितांदे एक्टिव वॉइस रे कि मु इंग्रजी कहूची कि से माने कहूछंती कि से कहूची ए सेंस रे हम कहितांदे बट हम कहूची न कहि कि हम कहू जे कि कुहा जाउची मींस इंग्रजी कुहा जाउची मींस कहा द्वारा कुहा जाउची को माने इंग्रजी कहूछंती किए कहूची सेटा हम किथि मेंशन नै जोटे कि हमर सब्जेक्ट सेति लागि ए सेंटेंस हमर पैसिव रे अछि कि इंग्रजी कुहा जाउची तो एठी इंग्रजी होउची हमर ऑब्जेक्ट जोटे कि हम सब्जेक्ट भाबरे हम सेंटेंस रे यूज करूछे कि इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन इंग्रजी कुहा जाउची तो ए सेंस रे हम यूज करबा पैसिव रूप रे ही यूज करबा कि इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन इंग्रजी कुहा जाउची लेटर इज बीइंग रिटन चिट्ठी लेखा जाउची मींस कहा द्वारा चिट्ठी लेखा जाउची बा किए चिट्ठी लेखुची एठी हमर सेटा मेंशन नै जोटा कि हमर सब्जेक्ट सेति लागि एठी हमर पैसिव रे अछि कि लेटर इज बीइंग रिटन चिट्ठी लेखा जाउची तो जाउची लेखा जाउची एम्ति टाइप रो आसले हमें पैसिव फॉर्म रे ही एटा करबा कि लेटर इज बीइंग रिटन एठी हमें बीइंग सहित v3 यूज कले द फूड इज बीइंग कुक्ड खाद्य रंधा जाउची द फूड इज बीइंग कुक्ड खाद्य रंधा जाउची सो नेक्स्ट टाइम पढ़िबा कि इज आम आर प्लस 2b प्लस v3 जदि हमर इज आम आर सहित जदि 2b यूज होबो ता सहित v3 यूज होबो तले तारो मीनिंग कोन रहबो ना कोन से कार्य करबा हेबो बा कोन से कार्य करबा बाकी अछि ए सेंस रे हमें इज आम आर सहित 2b यूज करबा देन 2b सहित हमें v3 सब बेले यूज करबा कोन से कार्य करबा हेबो बा कोन से कार्य करबा बाकी अछि जेमते हमें कहबा कि दिस रूम इज टू बी क्लीन्ड दिस रूम इज टू बी क्लीन्ड। एही रूम सफा करिबा बाकी अछि बा एही रूम सफा हेबो। एही रूम सफा हेबो जदि आमे कहिबा तार अर्थ कोन? एही रूम सफा हेबो मीन्स एही रूम सफा करिबा बाकी अछि। तो सेही सेन्स रे आमे यूज करबा टू बी। दिस रूम इज टू बी क्लीन्ड। टू बी सहित आम सब भरपूर थर्ड फॉर्म यूज करवा। बट आम जब कह कि यही रूम सफा है आम फ्यूचर में करना। फ्यूचर में कले सेन्टेन्सटा एमती कह कि यही रूम सफा करा आम कह रूम सफा करा कहीं यही रूम सफा हेबरे कौन सी आमर ये ना कि आमर सब्जेक्ट ना ना तो से लगे आम पैसिव्रे करवा। फ्यूचर जब आम करवा पैसिव्रे करवा कि यही रूम सफा करा यही सेन्स रे हम जोटा कि दिस रूम विल बी क्लीन्ड। तो ये से लगे यही रूम सफा हेब जदि आमर थी यही सेन्स रे जब आम कह कि यही रूम सफा हेब से आम यूज करवा दिस रूम इज टू बी क्लीन्ड। टू बी क्लीन्ड टू बी प्लस भी थ्री यूज करवा बा आम एमती ना बुझा कि यही रूम सफा करवा बाकी अच्छी। दिस रूम इज टू बी क्लीन्ड। फूड इज टू बी कुक्ड। जदि हमरो एमती थी कि फूड इज टू बी कुक्ड तार अर्थ आम बुझीजा कि रोसई करवा बाकी अच्छी बा रोसई हेब एठी आम फ्यूचर रे करनवानी। फ्यूचर रे जदि करवा आम रोसई करा जीवो एही सेन्स रे आम यूज करवा रोसई करा जीवो। क्लोथ्स आर टू बी वॉश्ड। क्लोथ्स आर टू बी वॉश्ड पोशाक धुआ हेब बा पोशाक धोइबा बाकी अछि। धुआ हेबो मीन्स कोन? धोइबा बाकी अछि। धुआ हेइनी धुआ हेबो एमते हम कहू ना कि धुआ हेइनी धुआ हेबो त मीन्स होछि धोइबा बाकी अछि। क्लोथ्स आर टू बी वॉश्ड। दिस टॉपिक इज टू बी टॉट। एही विषय पढ़ेबा बाकी अछि बा एही विषय पढ़ा हेबो। एही विषय पढ़ा हेबो। दिस टॉपिक इज टू बी टॉट। एही विषय पढ़ेबा बाकी अछि बा एही विषय पढ़ा हेबो। तो एही सेन्स रे हम यूज करबा टू बी प्लस भी थ्री। तो ये आम देखले कि इच आम आर्ट सहित आम टू बी सहित भी थ्री यूज कले तार मीनिंग कौन रमें तार यूज भी जानिले। एवं आम देखा कि इच आम आर्ट सहित जब आम टू यूज करवा एंड टू सहित सब आम भर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करवा ताले तार मीनिंग कौन हो? कौन से कार्य करने को जाऊँगी। कौन से कार्य करने को चाहूँ मीन्स कौन से कार्य कहीं करने को चाहूँगी से सेन्स में यूज करवा। कौन से कार्य कौन से व्यक्ति करने को जाऊँगी मीन्स आरंभ करने को जाऊँगी। से कार्य से स्टार्ट करनी आरंभ करने को जाऊँगी से सेन्स रे आम यूज करवा टू टू प्लस भी वन। जमती आम कह कि राम इज टू कम हियर। राम इज टू कम हियर राम एठाकू आसवाक जाऊँगी। आम कह कि राम एठाकू आसवाक जाऊँगी तार अर्थ कि से आसीनी एठाकू आसीनी बट आम कहूचे कि राम एठाकू आसवाक जाऊँगी मीन्स से एठाकू आसब माने कि समय पर हो कि किसी घंटा पर हो से आसब से सेन्स में कहे कि राम एठाकू आसवाक जाऊँगी। राम इज टू कम हियर आम कहला बेले सेन्टेन्सटा आमर रोचे कंटिन्यूअस फॉर्म रे बट आम जो कहवा से कंटिन्यूअस फॉर्म यूज करवानी आम इच आम आर्ट सहित टू प्लस भी वन यूज कर कहवा मीन्स से कार्यटा माने एठाकू आसवा कार्यटा से स्टार्ट करने को जाऊँगी से सेन्स में कहे कि राम एठाकू आसवाक जाऊँगी। राम इज टू कम हियर से कार्यटा एठाकू आसीनी बाकी आसवाक जाऊँगी। तो ये सेन्स में यूज करवा टू टू प्लस भी वन मीन्स कौन से कार्य आरंभ होगा जाऊँगी से सेन्स में यूज करवा कौन से कार्य होगा जाऊँगी। ही इज टू गो से जीवाक जाऊँगी। ही इज टू गो से जीवाक जाऊँगी मीन्स से जाइनी से जीवाक जाऊँगी। जमती आम कहू कि से जीवाक बाहर लाणी तो आम कौ सेन्स कहू कि से जाइनी से अच्छी बाकी से जीवाक बाहर लाणी। तो से सेन्स आम ये कहूचे कि इज से सेन्स ही आम टू प्लस भी वन यूज करचे कि ही इज टू गो से जीवाक जाऊँगी बा से जीवाक बाहर लाणी मीन्स से जीवा कार्यटा माने स्टार्ट करने को जाऊँगी से सेन्स आम कहूचे कि ही इज टू गो से जीवाक जाऊँगी। तो से सेन्स में यूज करवा टू प्लस भी वन ही इज टू गो से जीवाक जाऊँगी बा से जीवाक बाहर लाणी यही सेन्स में कहूचे गोटे कार्यटा आमर स्टार्ट होनी बट आम कंटिन्यूअस फॉर्म रे कहूचे। आई एम टू गो देयर। आई एम टू गो देयर से सेठाकू जीवाक जाऊँगी। ही इज टू गो देयर से सेठाकू जीवाक जाऊँगी। रवि इज टू लर्न इंग्लिश। रवि इज टू लर्न इंग्लिश रवि इंग्राजी शिखा जाऊँगी। रवि इज टू लर्न इंग्लिश। रवि इंग्राजी शिखा जाऊे आम कह रवि इंग्राजी शिखा जाऊे ये तो कंटिन्यूअस अच्छी तो आम ये रवि इज सहित आम लर्निंग किसी यूज करदे आईएनजी यूज करदे भर्बर आईएनजी फर्म बट ये रंग होमको सेन्स बुझा पड़ो कि रवि इंग्राजी शिखा जाऊे मीन्स कार्यटा से स्टार्ट करनी स्टार्ट करने को जाऊे मीन्स इंग्राजी शिखा कार्यटा से माने स्टार्ट करनी से स्टार्ट करने को जाऊे से कि से डिसाइड करिछि कि से किछि दिन पर इंग्राजी शिखिबो तो सेही सेन्स को लेकिन आम कहूचे कि रवि इंग्राजी शिखा जाऊे एमती ना कि रवि इंग्राजी शिखा शिखिगला अलरेडी आ जाऊे कोचिंग नापी जाऊे से सेन्स रे नुहे कि से आगो को शिखिबो बा से कार्यटा स्टार्ट करनी।